हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अनदर सेशन। ठीक ना, इसमें हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा हिंदी व्याकरण। ठीक ना, जो होगा हिंदी व्याकरण। ठीक है, ये आपका अपकमिंग एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए 10th एंड 12th दोनों के लिए मोस्ट VVI गाने वाला है। ठीक है, 10th 12th दोनों के लिए VVI गाने वाला है। अभी इस चैनल पे जुड़ेगा ये, अभी इस चैनल पे इस बोर्ड से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, अभी इस पे आप स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं समास। ठीक ना, पहले देखेंगे समास कहते किसको है, समास होता क्या है। ठीक है, समास, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं समास। समास के पहले बारे में हम बताना चाहते हैं समास के, समास होता क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक ना, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण, इसका शब्द संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक ना, किसी शब्द का छोटा रूप लिखना हमारा समास कहलाता है। इसका इसका शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका छोटा, मतलब हम किसी बगे को छोटे में जितना छोटा हम लिख सकते हैं ना, वही हमारा एक तरह से समास कहलाता है। ठीक है, बेसिकली समास होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण, हम लोग इसका परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो हमारा हम सीधा लिख सकते हैं पदों का मेल। नहीं तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं तब इस मेल को समास कहते हैं। या अदर वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं दो शब्दों के मेल को योग भी कह सकते हैं, मेल या योग को समास कहते हैं। अगर और लिखना चाहे तो आप यह भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। ठीक है, जैसे प्रकट किया जाए, इसे बोलती है अब इसका इस मतलब इसको हम लिख देते हैं। ठीक ना, जैसे हम यहाँ हम पहले बताए समास के बारे में क्या चीज, पदों का मेल। ठीक ना, इसमें पदों का मेल होता है समास में, बेसिकली पदों का मेल ही होता है। ठीक है, हम इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ना, दो या दो से अधिक शब्द। ठीक है, शब्द मिलकर, दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं तो इसको हम समास कहते हैं। ठीक है, नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मानिएगा तो सब पॉइंट लाइन एक ही है। ठीक ना, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख रहे हैं। ठीक ना, ऐसा इससे मतलब ही ना समझेगा कि इसका डिफिनेशन कितना लंबा है। अब ये भी बोल दीजिएगा इसका डिफिनेशन हो ही जाएगा, इसमें भी इसका डिफिनेशन हो जाएगा, लेकिन हम इसका इसको तोड़ तोड़ के लिए गए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, या हम भी लिख सकते हैं दो शब्दों के मेल, मेल को हम योग भी कह सकते हैं, योग को क्या चीज कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, एक और लिख देते हैं,
ठीक है। देखो समास वह क्रिया है, समास वह क्रिया है जिसके जिसके द्वारा जिसके द्वारा ठीक है, जिसके द्वारा हिंदी जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम, ठीक है, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अर्थ अर्थ प्रकट किया जाए, ठीक है। आप यहां पे देखिएगा तो बोला है कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में अधिक हमको अर्थ प्रकट करना है। इस समास में बेसिकली करना यही है हमको, इस किसी भी वर्ड का संक्षिप्तीकरण करके लिखना है, मतलब कि छोटा छोटा रूप में लिखना है, ठीक है, छोटा रूप में लिखना है। समास यही होता है, जैसे हम जानते हैं होता है गंगा जल, ठीक है, गंगा जल, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है, लिखेंगे हम गंगा जल, गंगा जल, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या जी हो जाएगा, गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल, गंगा का जल का हम संक्षिप्तीकरण कर, या इसका छोटा रूप कहिए, इसका छोटा रूप ये हो गया, ठीक है। तो छोटा रूप किसी बड़ा वर्ड को, या आपको लिखा गया ना कम से कम, किसी अधिक शब्द को छोटा शब्द में लिखना ही समास कहलाता है। तो ये गंगा जल हमारा होगी क्या जी, समास, ठीक है। अब कौन समास हुआ, कौन समास है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, ये हो गया समास। ऐसे यहाँ पे बोल भी सकते हैं का लोप होना, मतलब का को छुपा देना, ठीक है, का को छुपा देना ही समास कहलाता है, ठीक। कुछ न कुछ का लोप हुआ ना, ये का को हम छुपा दिए, गंगा जल में का दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, तो का को हम छुपा दिए, का को छुपा दिया यानी हमको संक्षिप्त हो गया, मतलब इसका छोटा रूप मिल गया, तो छोटा रूप मिलना ही समास कहलाता है, बात वही है। यहाँ पे हम ये भी लिख भी सकते हैं, गंगा जल अर्थात गंगा का जल, गंगा और जल के परस्पर संबंध को बताने वाले कारक के चिन्ह का, यही का लोप होने से गंगाजल एक स्वतंत्र शब्द बना है, इसीलिए यह सामासिक शब्द और इन दोनों शब्दों के संयोग से ही संयोग को ही समास कहते हैं। वही बात है ना, आप ऐसे समझिए, ठीक है। अब आपको मैं और चीज बता देते हैं, बिगड़ा किसको कहते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये भी कह सकते हैं, ठीक ना, कि हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, ये हम बता ही दिए। समास का मतलब ये होता है, समास का मतलब ये होता है छोटा रूप, ठीक है, किसी भी शब्द का छोटा रूप ही समास कहलाता है, जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक वो कि मतलब अधिक से अधिक बात बोला जाए, उसे हम समास कहते हैं। जैसे हो गया रसोई घर भी आप ले सकते हैं, रसोई रसोई घर, देखिए इस संक्षिप्त रूप हो गया, इस संक्षिप्त रूप हुआ, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई बन जाएगा, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर बनेगा, तो ये इसका संक्षिप्त रूप हुआ रसोई घर, ठीक है। हम यहाँ पे हम के लिए को हम कैसे भी छुपा देंगे ना, तो हमारा समास बन जाएगा, ठीक है,
के लिए के लुप्त करना ही हमारा समास कहलाता है। बस ये बेसिकली फंडा यही रहने वाला है अपना। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास की बहुतायता में प्रयोग होता है। जर्मन भाषा में भी सबका मतलब समास सबका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें मतलब कि 10th 12th तक ले हमको समास पढ़ना है ना, तो उसमें हमको समास पढ़ना है। बेसिकली कितना समास पढ़ना है? सिक्स समास ही पढ़ना है, सिक्स समास, ठीक है। सिक्स समास ही हमको पढ़ना है। और जो सिक्स समास हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस नहीं बचेगा, ठीक है। पढ़ा देंगे हम। आप हथकरी भी लिख सकते हैं, हाथ के लिए करी, नील कलम भी लिख सकते हैं, नील और कमल, राजपुत्र राजा का पुत्र, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं विग्रह किसको कहते हैं, समास विग्रह, ठीक ना। वो सब होता है छोटा छोटा टर्म है जो पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समास विग्रह, इसी का पार्ट है। समास विग्रह, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे गंगाजल को तोड़ के क्या चीज लेके आए? गंगा का जल। किसी छोटे रूप में जो हमारा समास छोटा रूप में होता है उसको बड़ा रूप में लिखना, बड़े रूप में लिखना ही हमारा समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। ज्यादा इसको डिटेल में ना जानिए, कैसे हमको उतना इस पे क्या बताऊं, ज्यादा इस पे नहीं आता, ठीक ना। हमको मालूम होना चाहिए समास विग्रह, ठीक ना। देखिए गंगा गंगा जल, नहीं तो यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे, ठीक है। जैसे लिखे हम राज प्लस पुत्र राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। सामासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। राजा प्लस पुत्र, ठीक है, इसके बीच के संबंध को स्पष्ट किया कौन? का, तो इसी को हम विग्रह कहेंगे, या इसको भी हम विग्रह कह सकते हैं। बस बात यही है। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। समास विग्रह क्या चीज कहेंगे? याद रखिएगा समास विग्रह सब जगह होगा, ठीक ना। वो आपको आए ना आए वो अलग बात है। इसमें इसमें आता है एक समास में एक आता है उत्तर पद, ठीक है। ये सब आगे आगे काम आ गया। आता है उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद, या इसी को हम कह सकते हैं पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद भी कह सकते हैं। इसका हम कल के वीडियो में यूज करने वाले हैं, उत्तर पद या इस उत्तर पद, ठीक ना। एक और होता है, ठीक है, उत्तर पद ना, पूर्व पद मतलब, अरे यार, एक उत्तर हो गया, उत्तर पद हो गया, ठीक है। अब एक उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला, पूर्व पद मतलब पहले आने वाला, ठीक है। ये सब क्या क्या होता है हम आगे बताएंगे, आगे बताने वाले, ठीक ना। इसे पूर्व पद, ठीक है, उत्तर पूर्व पद कौन हो गया? जैसे मानिए कि राजा राजा प्लस पुत्र पुत्र, ठीक है, पुत्र,
पुत्र आया लास्ट में, लास्ट में आया ना, तो ये जाएगा उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद हो गया। जैसे राज, राज राज आया, राज आया क्या चीज, पहले आया, राज आया पहले, तो ये हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है। मतलब जो जो शब्द पहले आता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद, बस यही है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं और सबके भेद को अलग अलग करके हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब ये सब सब भेद पढ़ लेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद सबका वन शॉट भी बना देंगे, ताकि सबका आप इन सबको एक एक बार देखिए, 5-10 मिनट में आपका पूरा समास क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है तो चलते हैं, लेकिन आप इस चैनल पे बने रहिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है। इतना ही कहना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।